बच्चों, हमारा आज का सबक है कुल्फी कैसे खाऊं, जो सफा नंबर 97 यानी 97 पर मौजूद है। सफा नंबर 97 खोलेंगे। कुल्फी कैसे खाऊं, ये एक तस्वीरी कहानी है, यानी तस्वीर को देखकर जहन में आने वाली कहानी को लिखना होता है। तस्वीर में मौजूद हर चीज का जिक्र करना है। यहाँ पर हमें दो तस्वीरें दी गई हैं, सफा नंबर 97 और 98 पर। हम उसके मुताबिक अपनी कहानी लिखेंगे। चूंकि सबक नहीं दिया गया, इसलिए हम फर्जी नाम रखेंगे और दोनों तस्वीरों को गौर से देखेंगे। उसके मुताबिक हम अपनी कहानी को मुकम्मल करेंगे। तो आइए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन अहमद का दिल चाहा कि वो कुल्फी खाए। यहाँ पर आप देखें कि तस्वीरों को नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहली तस्वीर को देखें तो वहाँ अहमद सोच रहा है कि वो कुल्फी खाए। दूसरी तस्वीर में वो सोचता है कि पैसे कहाँ से लाऊं। तीसरी तस्वीर में वो जाकर अपना बटवा देखता है, लेकिन वो तो खाली है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे? एक दिन अहमद का दिल चाहा कि वो कुल्फी खाए, लेकिन जब उसने अपना बटवा खाली देखा तो वो उदास हो गया कि अब मैं क्या करूं। सफा नंबर 98, तस्वीर नंबर 4। अहमद अपने बड़े भाई के पास गया। उसने सोचा क्यों ना वो अपने बड़े भाई से कहे। जब उसने अपने बड़े भाई अली को कहा, भाई जान मुझे कुल्फी खानी है। अब हम तस्वीर नंबर 5 को देखते हैं कि उन दोनों के हाथ में एक एक कुल्फी है। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? उसके भाई ने उसे कुल्फी लेकर दी और खुद भी खाई। अहमद ने अपने भाई का शुक्रिया अदा किया।